अगर अभी देखें तो तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति ऐसी जिसमें लोग साथ साथ रह रहे हैं, लोगों का लक्ष्य एक समान है और वो संबंध को पहचान पा रहे हैं, परस्पर पूरकता के संबंध में जी रहे हैं। तो लोग साथ साथ रह रहे हैं और परस्पर पूरकता के संबंध में जी रहे हैं। तो लोग साथ साथ रहें और परस्पर पूरकता के संबंध में जिए, इसके लिए लक्ष्य का समान होना जरूरी है या विपरीत लक्ष्य के साथ भी ऐसा हो सकता है? समान होना चाहिए। लोग साथ साथ रहें लेकिन परस्पर पूरकता का संबंध आपस में ना महसूस करें, है ना, ऐसे में उनका लक्ष्य अलग अलग होता है। लक्ष्य तो अलग अलग होता है लेकिन जरूरी नहीं कि एक दूसरे का जो लक्ष्य है एक दूसरे के विरोध में आ जाए। एक तीसरी स्थिति बनती है कि लक्ष्य तो अलग अलग है ही लेकिन लक्ष्य एक दूसरे के विरोध में है। मैं अपना लक्ष्य पूरा करने जाऊं तो आपका अहित होता है, आप अपना लक्ष्य पूरा करने जाए तो मेरा अहित होता है। तो तीन स्थितियां हैं, लक्ष्य समान है, लक्ष्य अलग अलग है, लक्ष्य अलग अलग भी है और परस्पर विरोधी भी है, है ना। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अगर कहीं पर लक्ष्य अलग अलग है और परस्पर विरोध हो गया है तो क्या होगा? लोग आराम से आपस में जी पाएंगे या छोटी छोटी बातों पे युद्ध, लड़ाई, झगड़ा ये सब चलता रहेगा? क्या होगा? सब चलता रहेगा। इसको समाज कहें, युद्ध का मैदान कहें। तो पहले समाज में रहते थे, बीच बीच में युद्ध लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में चले जाते थे। अभी स्थिति पलट गई है, बोले अब कौन बार बार युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने लगा है, जहां रह रहे वही युद्ध लड़ लेते। तो घर ही जो है, जहां हम रह रहे जिस मोहल्ले में, वही युद्ध का मैदान हो गया है। लक्ष्य तो अलग अलग है लेकिन विरोध नहीं है। आपका लक्ष्य अलग है, आपका लक्ष्य अलग है, साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो ना, ब्रिज जो बना रहता है ऊपर पार करने के लिए, ब्रिज पे खड़े हो जाइए, ट्रेनें आती हैं, हजारों लोग उतरते हैं, पूरा स्टेशन भरा रहता है, लेकिन सबके लक्ष्य एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? इसलिए वो समाज नहीं है बल्कि क्या है, एक भीड़ है। बहुत मतलब नहीं है किसी का एक दूसरे से, हजारों लोग एक जगह खड़े हैं, है ना, साथ साथ रह रहे हैं, परस्पर पूरकता का संबंध है, लक्ष्य एक समान है, तो इसको क्या कह सकते हैं? तो समाज के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि धरती के 750 करोड़ लोगों के लिए कोई कॉमन लक्ष्य पहचाना जाए। प्रश्न तो यही है, परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, उनका लक्ष्य कॉमन नहीं हो पा रहा है। ये धरती के 750 करोड़ लोगों का लक्ष्य कॉमन हो जाए आसान दिखता है क्या? और जब तक धरती के 750 करोड़ लोगों का लक्ष्य कॉमन नहीं होगा, समान नहीं होगा, ये युद्ध रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो जो वंदन जी बात कर रहे थे कि क्या 750 करोड़ लोगों का ये लक्ष्य हो सकता है कि धरती के 750 करोड़ लोगों का ये लक्ष्य कॉमन लक्ष्य हो सकता है? ना? आपके लिए ये लक्ष्य स्वीकार हो रहा है नहीं हो रहा है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए ये लक्ष्य स्वीकार हो रहा है नहीं हो रहा है? जो यहाँ नहीं बैठे हैं, अगर हम आप इस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं तो ये उनके विरोध में होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या लक्ष्य है? पहला लक्ष्य तो ये है कि धरती का हर एक व्यक्ति सही समझ, सही भाव से युक्त हो जाए। दूसरा लक्ष्य क्या है? हर परिवार में समृद्धि है। तीसरा, लोग आपस में अभय पूर्वक जी पाए। चौथा, प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता में जी पाए। ये चारों लक्ष्य का पूरा होना आवश्यक है। किसी को छोड़ा जा सकता है? किसी को नहीं छोड़ सकते। तो ये प्रश्न है, क्या ये लक्ष्य हिंदू मुसलमान दोनों को एक तरह स्वीकार होगा या भेद होगा? स्त्री पुरुष के लिए कॉमनली स्वीकार लक्ष्य है या भेद होगा? ये एक जांच लेने का मुख्य मुद्दा है।
है ना। दूसरा इन्होंने जो ध्यान दिलाया कि शुरू कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें, स्वयं से शुरू करें। फिर दूसरे मानव के साथ भी शुरू करना है तो हम उसकी समृद्धि के लिए काम करें पहले, या उसमें सही समझ सही भाव सुनिश्चित करने का काम करें। सही समझ सही भाव, अगर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो गया तो अपने घर की आवश्यकता को पहचान पाएगा और कोई ना कोई हुनर सीखकर उसको पूरा कर पाएगा, तो दूसरे की समृद्धि के लिए उसके घर जाकर हमको बार बार धन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद सम्मानपूर्वक अपनी सुविधा को अर्जित करेगा और अपनी समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। व्यक्ति में सही समझ सही भाव है, परिवार में समृद्धि है, है ना, तो समाज में संबंध को पहचान कर ठीक ठीक जी पाएगा और समाज में अभय होगा, है ना। फिर नेचर के साथ भी अगर जीने जा रहे हैं तो संबंध को ठीक ठीक पहचान के जी पाएगा और सहअस्तित्व पूर्वक, है ना, परस्पर पूरकता पूर्वक जी पाएगा। तो शुरू कहाँ से करें, है ना, स्वयं से ही। और अगर समाज में भी इसको करने जा रहे हैं तो ये तीनों लक्ष्य पे पहले काम शुरू करें या पहले लक्ष्य पे, पहले अगर हम इस पे कर रहे हैं तो व्यक्ति अपने परिवार में खुद करेगा, लोग आपस में जाके समाज में इसको खुद करेंगे, नेचर में जाके ये खुद ही करेंगे। हमको जो करने की जरूरत है कि समाज का हर व्यक्ति क्या हो जाए, सही समझ सही भाव से युक्त हो जाए। तो अगर हमको आपको समाज में कुछ बहुत बड़ा काम करना भी है तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि समाज का हर एक व्यक्ति सही समझ सही भाव से युक्त हो जाए। अगर वो करने में सफल हो पाते हैं तो लोग अपने घर की आवश्यकता को पहचानेंगे ही, उससे अधिक जुटाने के लिए बहुत सारे हुनर सीखेंगे और अपने अपने घर की समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। आपस में संबंध को पहचान कर संबंध पूर्वक जिएंगे तो अभय आएगा ही। प्रकृति के साथ संबंध को पहचान कर संबंध पूर्वक जिएंगे तो परस्पर पूरकता प्रकृति के साथ निभा ही पाएंगे। तो समाज में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है तो किस जगह पर फोकस करना होगा, है ना। जितने लोग हैं लोगों के लिए सही समझ और सही भाव को, है ना, लोगों में सही समझ और सही भाव सुनिश्चित हो सके, ये काम सबसे पहला काम है। तो हम अपने में सही समझ सही भाव सुनिश्चित करने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको करते हुए अगर समाज में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करना है तो वो कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी लोगों में सही समझ और सही भाव को विकसित किया जा सके, वो लोग फिर अपनी समृद्धि और अभय और प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता के लिए खुद ही काम करेंगे। हमको समाज में जाके चारों जगह काम करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने व्यक्तिगत जीने में तो चारों करेंगे ही, लेकिन समाज में अगर कोई बहुत स्थायित्व और हारमोनी के अर्थ में कुछ प्रोग्राम को सुनिश्चित करना है तो लोगों में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा सुविधा उपलब्ध करा दे रहे हैं, बहुत सारा और कुछ कर दे रहे हैं, तो भी वो आराम से नहीं रहने वाले, है ना। सुविधा कम होती है तो छोटी लड़ाई लड़ते हैं, सुविधा बढ़ जाती है तो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, सुविधा कम होती है तो देसी शराब पीते हैं, पैसा बढ़ जाता है तो विदेशी शराब पीते हैं, पैसा कम होता है तो झगड़ा लड़ाई करके पंचायत में निपटा लेते हैं, पैसा बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं निपटता। इसलिए अगर समाज में कुछ उचित कंट्रीब्यूशन हम सब करना चाहते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जगह तो ये है कि समाज के लोगों में सही समझ और सही भाव सुनिश्चित हो सके, इसकी इसके लिए कुछ योजना कार्यक्रम बनाया जाए। अपने पे तो करते ही रहना है, वह तो एक महत्वपूर्ण काम है ही, लेकिन अगर समाज के लिए भी कुछ करना है तो पहला काम क्या है, सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने का कार्यक्रम। सही भाव सही समझ से युक्त व्यक्ति अपने परिवार के लिए समृद्धि के मार्ग खुद निकाल लेगा। प्रकृति ने उसको इतनी क्षमता के साथ इस धरती पर पैदा किया है, हम आप जाकर उसके घर में समृद्धि ला देंगे और नहीं होने वाला, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में बदलाव करना चाहते हैं, अगर सही समझ सही भाव पर काम नहीं कर रहे, बाकी चीजें बदल दे रहे, उससे बहुत स्थायित्व आ पाएगा या स्थायित्व नहीं आ पाएगा।
क्या होगा? हमको याद है अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन हुआ था, हुआ था ना? ये कोई पहला किसान आंदोलन था? तो एक और बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था देश में, 80s में हुआ था, याद है? जिसको महेंद्र सिंह टिकैत जी ने लीड किया था। उस समय गन्ने की कीमत होती थी कुछ 18 रुपए क्विंटल, प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत, और माना जाता है कि वो आंदोलन जो है देश का आज़ादी के बाद के सफलतम आंदोलनों में से एक था। तो जो उस समय क्यों था? क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए वो आंदोलन था। आंदोलन चला, लंबी प्रक्रिया से गुजरा, बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बाद में गन्ने का मूल्य बढ़ा के कर दिया गया 36 रुपये प्रति क्विंटल। आंदोलन सफल हुआ, असफल हुआ? सफल हो। जब 18 रुपये क्विंटल था तो गन्ने की कीमत, जो गन्ना उगाने की कीमत आती थी वो आती थी लगभग 15 रुपये प्रति क्विंटल, लागत जो लगती थी किसान की, तो प्रति क्विंटल उसको कितना बचता था? 3 रुपये। अब 36 रुपया हो गया कीमत, लागत तो अभी भी उतनी है, अब कितना बचता होगा? उसका 6 गुना 7 गुना बचने लगा, तो किसान की आमदनी 6 से 7 गुना बढ़ गई। इसी कारण जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो गन्ना उगाने वाला बेल्ट है, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और ये वाला, वहाँ किसानों का जो आर्थिक लेवल था बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा। लाखों रुपए की कार से चलना, बड़े बड़े घर बन जाना आम बात हो गई। तो जो लोग जो है उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने उस आंदोलन का संचालन किया, है ना, बहुत तरह के लोग जुड़ते हैं उसमें, कुछ लोग आगे आते हैं, कुछ लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, कुछ लोग डिज़ाइनर होते हैं, कुछ लोग थिंकर होते हैं किसी भी आंदोलन में, है ना। तो जो बहुत थिंकर होते हैं, जिन्होंने बहुत सोच के उस आंदोलन को डिज़ाइन किया होता है, वो थिंकर सिर्फ बाहर हो रहे बदलाव को ही नहीं देखते, है ना, बहुत गहराई तक जाके जांचते हैं कि बदलाव हुआ कि नहीं। जो बहुत थिंकर नहीं होते हैं किसी आंदोलन में, बहुत सरफेसियली कुछ बाहर बदलाव हो जाए उतने को ध्यान में रख करके कोई आंदोलन चला रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि भाई किसान की कीमत बढ़ गई, जो साइकिल से चल रहा था कार से चलने लगा, गांव की गलियां नालियां कच्ची थी अब वो पक्की हो गई, सड़क पक्का हो गया, जो घर झोपड़ी के थे वो पक्के हो गए। क्या लगता है उस व्यक्ति का किया गया मेहनत आंदोलन के लिए सफल है या असफल है? तो लोग कहते हैं कि भाई सफल है, इतना सारा सब तो दिख ही रहा है ना, घर पक्के हो गए, ना गाड़ियां आ गई, लोग खुश होते हैं। लेकिन जो गहरे थिंकर होते हैं वो सिर्फ इतना ही नहीं देखते। तो जो लोग उस आंदोलन में लगे थे, 2 साल 3 साल बाद जाकर के उन लोगों ने वहां और गहराई से कुछ दिन रह करके सर्वे किया कि और क्या परिवर्तन हुआ है। तो और क्या परिवर्तन हुआ उसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। तो एक मेजर परिवर्तन हुआ था कि ज़्यादातर लोग देसी शराब पीते थे, अब 3 साल बाद विदेशी पीने लगे। दूसरा मेजर परिवर्तन हुआ था कि वो लाठी डंडे से लड़ लेते थे, अभी रेयर कोई घर ऐसा बचा है जिसमें बंदूक ना हो, तो गोली चल जाना आम बात हो गई। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े पंचायत पे बैठ के निपटाते थे, अभी तो 2 स्कूटर 2 मोटरसाइकिल थोड़ा भिड़ गए, वो मामला भी कोर्ट तक जाएगा ना। तीसरा जो, चौथा जो सबसे बड़ा झंझट था, पहले जो शादी ब्याह होता था समाज के लोग बैठ कर चीज़ें तय कर देते थे, शादी ब्याह हो जाता था, अभी रेयर कोई शादी ब्याह ऐसा हो रहा है जिसमें लाखों रुपए का लेन देन इधर से उधर ना हो, 2-4 एकड़ खेत ना बिके, 2-4 एकड़ खेत ना बिके। और उसमें भी भाई एक आदमी ने 10 लाख का डिमांड किया, वो पूरा हो गया तो अगला आदमी 10 का थोड़े करता है, वो 20 का करता है, 15 का करता है। अब जो बहुत क्लोज थिंकर होते हैं वो ये सब भी देखते हैं जो सामान्य आदमी को नहीं दिखता, है ना। क्या कहें, आंदोलन सफल हुआ असफल?
थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। आय बढ़ाने में तो सफल हो गए 7 गुना, आदमी के जीने की हालत वैसी की वैसी रही बल्कि और खराब।